तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यह है बारापुल्ला फ्लाईओवर जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ अभी इस टाइम पे, और मैं अभी खड़ा हुआ हूं मयूर विहार। तो मयूर विहार की ये जा रही है पिंक लाइन, ये पिंक लाइन है जो कि सराय काले खां होते हुए और ये निकल जाएगी आगे के लिए दोस्तों। तो इधर का ये देख सकते हैं, ये फ्लाईओवर है ये, और ये चला जाता है नोएडा के लिए अंदर, सीधा DND पे जाके निकलेगा। तो यहाँ से ये देख सकते हो चढ़ने उतरने का है, ये तो चला जाएगा नीचे वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए, यानी कि अक्षरधाम होते हुए। और ये ऊपर वाला है दोस्तों, ये ऊपर वाला देखो, ये ऊपर, ये इधर से ऐसे घूम के और ये आ जाएगा तुम्हारा नोएडा के लिए, चला जाएगा इस तरीके से। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो आप लोगों को दिखाने की और बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ अक्षरधाम का टेंपल, फिर उससे आगे निकलते हुए कि वहीं से स्टार्ट हो जाता है ये देहरादून एक्सप्रेसवे, तो वो भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरा, ये देख सकते हो। और ये मेरे साइड में ये है अक्षरधाम टेंपल, फिर यहीं से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है दोस्तों। देख सकते हो ये इसके सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं, ये देखो ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ही हैं। और यहाँ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से स्टार्ट होता है दोस्तों, ये है देख सकते हो। और उधर रह जाता है वो आपका बारापुल्ला फ्लाईओवर उधर वाला। और यहाँ से आगे जाएंगे तो आप लोगों को, अगर लेफ्ट में हम जाते हैं तो प्रगति मैदान के लिए चले जाएंगे, और राइट में जाते हैं तो हम सराय काले खां के लिए चले जाएंगे दोस्तों। तो यही सीन है, देख सकते हो तस्वीरें। और ये सारे वाहन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की साइड से गाइस, और ये जा रही है नोएडा के लिए ब्लू लाइन, यमुना बैंक में जाकर रुक जाएगी। तो यही है नज़ारा। और आगे है अक्षरधाम टेंपल, टेंपल का ये मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन का दोस्तों, तो वहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप लोगों को दिखाते हैं चल के। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देख। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too. दोस्तों ये देख सकते हो, ये हम आ चुके हैं रमेश पार्क के सामने, ये रमेश पार्क है। और देख सकते हो ये साइड वाली ये रोड इन्होंने ब्लैक टॉप कर दिया है, और उधर ड्रेनेज सिस्टम भी बन गया है। और बीच में देख सकते हो ये डिवाइडर तोड़ने के बाद में, और फिर इस पर देख सकते हो ये फ्लाईओवर का काम किया जा रहा है। ये रमेश पार्क है, और आपको बता दूं दोस्तों इसको पुस्ता रोड बोला जाता है। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody. रैंप बनाने का काम चल रहा है, और गवार का इंस्ट्रक्शन द्वारा यहाँ पर वर्क किया जा रहा है, ये देख सकते हो रैंप बनाया जा रहा है। ये रैंप बनाने का काम चल रहा है इस साइड में, ये रैंप बनाया जा रहा है, देख सकते हो तस्वीर है गीता कॉलोनी के सामने से, और फिर यहाँ से एलिवेटेड हो जाएगा दोस्तों, ये देख सकते हो ये साइड वॉल लगा दी इन्होंने,
और यहाँ पर ये देख सकते हो ये लास्ट पिलर है। हाँ बस यही रोक लो थोड़े। ये यहाँ का लास्ट पिलर है, देख सकते हो तस्वीर है ये। ये दोस्तों लास्ट पिलर है, देख सकते हो यहाँ पर ये देखो ये पियर कैप बनाया जा रहा है। और पियर कैप बन जाने के बाद में दोस्तों पर और ये इधर का ये रैंप है, ये रैंप बनाया जा रहा है। यहाँ से ये नीचे रहेगा ग्राउंड लेवल पे, देख सकते हो। और यहाँ से ये एलिवेटेड हो जाएगा। तो लास्ट पिलर ये है यहाँ का, ये देख सकते हो तस्वीर है जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। और सामने है ये सारा गीता कॉलोनी, तो यही नज़ारा है यहाँ का, तस्वीरें देख सकते हो। ये देखो तो ये भाई यहाँ पर गार्ड हो ना, ये यहाँ पर भाई गार्ड है। देखो देखभाली करता है यहाँ पर, जितना भी ये सरिया लोहा पड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन का सामान वो सारा का सारा देख सकते हो। ये पियर का बनाया जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये देखो ये सारे में ही वर्क चल रहा है अभी। तो यहाँ पर ये रैंप बनाने का काम चल रहा है इधर की साइड में। और इधर इन्होंने देखो ये ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, ड्रेनेज सिस्टम बना के यहाँ पर ये लोकल ट्रैफिक के लिए खोल दिया इन्होंने, ठीक है। तो यही सीन है यहाँ का। देखो दूसरा ये पियर कैप बनाया जा रहा है, देख सकते हो दूसरा ये पियर कैप बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये देखो कुछ ऐसा ये पियर कैप बनाया जाता है, जैसा कि आप लोगों को अभी और आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये देख सकते हो ये, और पूरा जो एरिया है ये है सारा गीता कॉलोनी, ठीक है गाइस। देख सकते हो इन्होंने ये रोड बना दी है जो लोकल ट्रैफिक के लिए दोस्तों। ये देखो अब सारे में इधर ये पियर कैप का काम चल रहा है इस टाइम पे, ये पियर कैप का काम किया जा रहा है। देख सकते हो ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं, अब पियर तो पहले ही इन्होंने बना दिया था। ये देख सकते हो ये पियर ही है, ये देख सकते हो ये पियर है। और इसके ऊपर देख सकते हो ये पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही इधर भी बनाया जा रहा है जो कि इन्होंने सेटरिंग लगा दी है। ये देखो किस तरीके से ये पियर कैप बनाते हैं वो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो। और देख सकते हो ये गांधीनगर की मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, गीता कॉलोनी पीछे रह गया दोस्तों, ठीक है। तो यही सीन है यहाँ का। और आप बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो ये पियर कैप बनाया जा रहा है इस तरीके से, देखो ये पियर कैप बना रहे हैं और इधर भी पियर कैप बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो तस्वीर गाइस, ठीक है। और यहाँ के ये गार्ड साहब हैं जो यहाँ की देखभाली करते हैं, देखो ये गार्ड साहब हैं, इन्हें देख लो आप सभी, ठीक है दोस्तों। तो चलो आप चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को तो किस तरीके से ये पियर कैप बनाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा, देख सकते हो ये पियर कैप बनाने का काम चल रहा है और यहाँ से ये एलिवेटेड हो जाएगा सारा। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को। Level, they think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need. देखो दोस्तों दोनों साइडों में आप लोगों को ये गटर ही गटर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जैसे जैसे पियर कैप का काम किया जा रहा है वैसे वैसे फिर इन पर यहाँ पर ये गटर्स ला के रख दिए जा चुके हैं दोनों साइडों में, ये देख सकते हो। From heaven and say damn I learned some lessons and say damn I had no questions I had fun in every second and the journey was a blessing yeah they tell me that I'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when I keep dreaming I'll be famous but I don't give a fuck I'ma keep chasing they tell me that I'm never gonna make it they want me to do something that can make sense। देखो ये पिलर खड़ा कर दिया है तो इधर ऐसे घूमेगा इस तरीके से, ये गटर से इन्होंने ये रख दिए हैं यहाँ पे, ये देखो काम चल रहा है।
ऐसे इधर से घूम जाएगा ऊपर की साइड में। ये आ जाता है पुराने दिल्ली का ब्रिज, जो लोहे का ब्रिज है, यमुना ब्रिज। देखो वो है सामने वाला यमुना ब्रिज, और ये डबल डेकर ब्रिज है। नीचे लोकल ट्रैफिक चलता है और ऊपर इस पर रेलवे की मालगाड़ियाँ दौड़ती हैं। ये देख सकते हो ये पुराना है और ये नया बनाया जा रहा है। इस साइड में तस्वीरें देख सकते हो, ये तो बन रहा है अभी तेजी के साथ में। गाइस ये देख सकते हो तस्वीरें, और इसको ये इंडियन रेलवे को ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे क्रॉस करेगा। तस्वीरें देख सकते हो यहाँ से, और ये आ चुका है आपका शास्त्री पार्क। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये पाइल कर दिया है, और पाइल कर देने के बाद में दोस्तों फिर इस पर फाउंडेशन बनाने का काम किया जा रहा है अभी तेजी। है शास्त्री पार्क, और इन्होंने पाइल करके पाइल कर देने के बाद में और इस पर फाउंडेशन बना दिया है पिलर का। तो देख लो आप लोग तो फाउंडेशन किस तरीके से बनाया जा रहा है इन्होंने। देखो ये सरिये बाहिस सब लगाए जाते हैं ऊपर पिलर पर। देखो कुछ इस तरीके से ये फाउंडेशन बनाया गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। गाइस ये देख सकते हो तस्वीरें, ये पिलर का स्ट्रक्चर ये खड़ा हो गया, और इस पर ये देखो फाउंडेशन बना दिया। और फाउंडेशन बना देखो कितना विशाल है वो गाइस, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। कुछ यही है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का नज़ारा गाइस, ठीक है यही है। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को। गाइस तस्वीरें देख सकते हो ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है। फाउंडेशन बनाने के बाद में पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, अब इसमें रिंग लगाई जाने, और रिंग लग जाने के बाद में इसको कंक्रीट से भर दिया जाएगा। देख सकते हो मिक्सचर प्लांट ये यहाँ पर लगा हुआ है, और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है गवार कंस्ट्रक्शन दोस्तों। तो चलते हैं आगे खजूरी की साइड में, और आप लोगों को दिखाते हैं चल के। ये देख सकते हो यहाँ पर सारे में ही ये पाइल करके और फाउंडेशन बना दिया जा चुका है। पिलर का स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया है इन्होंने, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों। कुछ यही सीन है यहाँ का, ये शास्त्री पार्क जो पुस्ता रोड है उसका दोस्तों। और जल्द ही इस पर ये पियर ये पिलर भर दिए जाएंगे, और पिलर भरने के बाद में दोस्तों इस पर पियर कैप का काम किया जाना। और आपको बता दूँ जो पाइल किया जाता है ज़मीन के अंदर, उसके रिंग देखो ये रखे हुए सारे, ये रिंग डाले जाते हैं ज़मीन के अंदर गाइस। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये सारे रिंग हैं जो डाले जाते हैं ज़मीन के अंदर, जो पिलर ज़मीन के अंदर बनाए जाते हैं, फिर उनका फाउंडेशन बनाया जाता है, फिर तब जाके ऊपर एक पिलर खड़ा किया जाता है दोस्तों। तो आगे दिखाते हैं चल के कि किस तरीके से मशीनें पाइल कर रही हैं, वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। चल रहे हैं हम आगे की साइड में, तो देख सकते हो यहाँ पर ये मतलब कि बनवे ही कर रखा है इन्होंने अभी इस टाइम पे, क्योंकि ये राइट वाली लेफ्ट वाली राइट वाली लाइन में दोस्तों इन्होंने देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी इस टाइम पे। और ये सारे ये रखे हुए हैं जो पाइल करते हैं ज़मीन के अंदर, उसका स्ट्रक्चर देखो ये रखा हुआ है, इसे पिलर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये देखो ये पाइल करके ज़मीन के अंदर डाला जाता है, फिर इसमें कॉन्क्रीट भरा जाता है, तब जाके ये ज़मीन के अंदर पिलर मजबूत होता है, फिर उसके ऊपर पाइल किया जाता है। और पाइल करने का भी मैंने प्रोसेस आपको कई वीडियो में दिखाया है और बताया भी है, तो आप लोग जान लो और समझ लो। देख सकते हो यहाँ पर ये फाउंडेशन बना के और पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, अब इसमें बस रिंग लगाए जाने हैं, और रिंग लग जाने के बाद में फिर आपको पता ही है सेट रिंग लगा के और इसको कंक्रीट भर दिया जाएगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के। देख सकते हो ये आईएसबीटी के लिए चला जाता है लेफ्ट में, और राइट में चला जाता है सादरा के लिए। तो ये मेन हाईवे है, और इसको क्रॉस करेगा ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दोस्तों। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, फिलहाल तो ये पिलर का फाउंडेशन बनाया जा रहा है। जब पिलर का फाउंडेशन बन जाएगा तब पता चलेगा कि ऊपर से ही रहेगा या नीचे से रहेगा। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि ये मशीन पाइल मशीन लगी हुई है, और किस तरीके से पाइल कर रही है वो आप लोगों को आगे दिखाते हैं चल के इस जगह पे दोस्तों। आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे,
देखो किस तरीके से ये पाइल कर रहे हैं और किस तरीके से ये कंक्रीट भरा जाता है इनके ज़मीन के अंदर, जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है वो देख सकते हो। मशीन ये लगी हुई है, पाइल मशीन ये वाली है, तो आप लोग देख लो। देखो ये है पाइल मशीन और इधर देखो उधर ये लगाया जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो दोस्तों। केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, ये है पाइल मशीन और देखो जो ज़मीन के अंदर होल करके फिर इसमें देखो ये कंक्रीट भरी जा रही है इस पाइप के थ्रू। बिल्कुल ज़मीन में ये पाइप डाला जाता है, जैसे जैसे कंक्रीट भरता चला जाता है वैसे वैसे फिर इसको पाइप को निकाल दिया जाता है दोस्तों। तो यही नज़ारा है। तो आप लोग बताना कि केपी संत का वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से।